नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं यमुना खादर तीसरे पुस्ता उस्मानपुर पे, और यह शास्त्री पार्क से खजूरी देने वाला वही पुस्ता रोड है। यहाँ अभी करीब 3:30 बजे के आसपास एक बॉडी मिली है, जो कि बताई जा रही है, जो हमारे को यहाँ के लोगों ने बताया कि किसी लड़की की है। इसी पानी में, जो कि यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान पर था अभी तक, इसी पानी के अंदर कहीं से यह बॉडी बहती हुई आई है या किसी ने ला के इसके अंदर फेंक दिया है, इसी की जांच पुलिस अभी कर रही है। मगर जैसे ही पुलिस को यह पता चला, पुलिस आनन फानन में यहाँ पहुँची, और यह थाना शास्त्री पार्क का एरिया पड़ता है। थाना शास्त्री पार्क की पुलिस यहाँ आनन फानन में पहुँचती है और इस पूरे एरिया को घेर लेती है। यह वही कूड़ा घर है, आपके सामने दिख रहा होगा, और चंद कदम की दूरी पे यहाँ पे आप देखिए, चंद कदम की दूरी पे ही यहाँ तीसरे पुस्ते पे चौकी है, पुलिस चौकी है। जी हाँ, इसी चौक पे, इसी यहाँ से मुश्किल से 100 कदम की दूरी नहीं है, यहाँ पे पुलिस चौकी है। और ये पूरा उस्मानपुर यमुना खादर का एरिया है, पुराना गांव कहलाता है ये, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ रहती है। इस समय भी लोग यहाँ, जिनके घर इस समय पानी की चपेट में आए थे, बाढ़ की चपेट में आए थे, उनके मवेशी, गाय, भैंस, जानवर, और वो खुद भी यहाँ पे रह रहे थे। मगर हैरत की बात है कि आखिर यहाँ पे ये बॉडी आई कैसे। जैसे ही बॉडी का पता चलता है, क्योंकि जब यहाँ पे वो बॉडी एक बताया जा रहा है कि बोरी के अंदर मिली है, और बदबू से आसपास में जब सनसनी फैलती है कि आखिर बदबू किस चीज़ की आ रही है, तब पुलिस को कॉल की जाती है। पुलिस यहाँ आती है और पुलिस उसके बाद इसके अंदर से उस बॉडी को निकालने की कोशिश करती है। जब पुलिस इस बॉडी को निकाल के लाती है, तो उसका यहाँ पे जो फॉरेंसिक टीम है वो आती है, वो आने के बाद यहाँ जांच करती है और आसपास के एरिए को भी वो काफ़ी हद तक जांच के दायरे में लेती है। फिर वो देखती है कि यह बॉडी किसकी है। जब उसमें, क्योंकि हमें बताया गया आसपास के लोगों ने, क्योंकि अभी भी लोग यहाँ आके ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉडी मिली थी, यहाँ पे जो पुलिस है वो कहाँ है, क्योंकि सबको आसपास के एरिए में खबर मिली है कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग गई है, यहाँ कोई बॉडी मिली है और पुलिस यहाँ भारी संख्या में तैनात है। आसपास के लोगों ने हमें बताया, जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, कि यहाँ पे एक लड़की की लाश मिली है, जो कि बोरी के अंदर मिली है, और यह मामला शास्त्री पार्क थाने के अंतर्गत आता है। और यह आज यानी 20 तारीख की दोपहर 3:30 बजे के आसपास का मामला है, जब ये कॉल आती है। उसके बाद पुलिस यहाँ पहुँचती है 4 बजे के आसपास, और लगातार इस पूरे एरिए को वो सर्च करती है कि आखिर यहाँ पे यह बॉडी आई कैसे। यह क्या, ये जो यमुना का जल आया है, क्या पीछे से बहती हुई आई है, किसी ने इसका फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे अभी 2-3 घंटे पहले एक बॉडी मिली थी, क्या ये सच है? सच है। कितने बजे के आसपास मामला था ये? 2-2.5 बजे करीब के आसपास। लड़की की लाश बताई जा रही है? लड़की की लाश बताई जा रही है। ये उम्र क्या थी? उम्र ऐसे तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि जिस टाइम मिली उस टाइम हम थे नहीं, हम जब आए बाद में, जब तक ले जा चुके थे वो। तो एज कुछ आइडिया है, बच्चा था या ऐसे था? शरीर नहीं देख पाया हूँ मैं उसका, बॉडी जो है उसका नहीं देख पाया हूँ, बस इतना देखा हूँ कि जब मैं आया काम से तो पब्लिक यहाँ पे भीड़ थी और पुलिस प्रशासन भी थे यहाँ से, मतलब उनको ले गया था, जब तक मैं आया जब तक वो ले जा चुके थे। मैं बस पब्लिक की भीड़ देखा था मैं यहाँ पे, बस लोगों से मैंने पूछा तो ये पता चला मुझे कि यहाँ पे एक बच्चे की लाश थी, और फिर क्या था नहीं था वो चीज़ हमें नहीं पता चला। देखिए सर, उसमें है ना, हम ये देखे हैं, जैसे मान लीजिए लग रहा था हमको 1.5-2 महीने के बच्चा लग रहा है, जैसे हाथ है ना दोनों ऊपर करके ऐसा ही सीधा ही पड़ा हुआ था, मगर उसके सर से खून निकल रहा था, मगर वो है ना मेरे ख्याल से रात को फेंके हुआ था। अच्छा। हाँ जी, रात को ही फेंका, मगर हम लोग है ना रोड पे रहते हैं, हम लोग उतना थोड़ी नहीं उधर था, हम लोग खुद नहीं जा पाते, गाय के लिए बच्चे के हम लोग देखभाल करते इधर, मगर इससे ज़्यादा है ना हम लोग नहीं देखे, पुलिस वाले हम लोग के रोड उस पार नहीं होने दे रहे थे, पुलिस हाँ तो पुलिस वाले हम लोग के वो साइड नहीं जाने दे रहे थे, मगर हम लोग है ना फिर लाश लेकर गए हैं ना, तो हम लोग ऐसे देखे, वजन था कम से कम 5-6 kg के था। अच्छा। वो हिसाब से पता चल गया जी। मतलब ढाई तीन महीने की बच्ची रही। हाँ जी, हाँ जी, 5-6 kg के था बच्चे। अच्छा। हाँ जी, ये इतना देखे, उसके बाद इधर से हम लोग इधर चले आए। हाँ जी, आसपास के इलाके से ही उस लड़की का मर्डर करके या उसकी हत्या करके इसके अंदर ला के बोरी में बंद करके इसमें फेंक दिया है। ये सभी जांच के विषय हैं, अब पुलिस यहाँ जांच कर रही है
और शास्त्री पार्क थाने के अंतर्गत यह मामला आता है। अब यह पुलिस हर एंगल पे इसको खंगाल रही है कि आखिर यह बॉडी आई कैसे। इसका पता लोगों को जब चला जब आसपास बदबू फैल गई, उसके बाद पुलिस आनन-फानन में यहाँ आके और जांच करती है। अभी सारा मामला शास्त्री पार्क थाना के अंतर्गत आता है और इस पे जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम आके यहाँ पे अपना काम करके गई है, वो बॉडी को कब्जे में लेके गई है और पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को यहाँ से जी टीवी भेज दिया गया है। एनभार टीवी, उस्मानपुर, तीसरा पुस्ता, दिल्ली।